अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होगी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायके में, आपके कारोबार में, आपके रिस्क में। अल्लाह सारे कायनात में जितने मुसलमान हैं, सारे मुसलमानों की, फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। चलिए आज हम बनाएंगे बढ़िया सा शाही रोल। शादी शादी में जो बनता है ना, उस तरह से हम बनाएंगे अपने घर में शाही रोल। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू रेसिपी। चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिए थे, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिए और छन्नी में इसका जो पानी अच्छे से खुश कर लिए। एक मिक्सी जार लेंगे हम, मिक्सी जार में ये हम चिकन ऐड कर देंगे सारा। 500 ग्राम हमने चिकन लिए थे। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर भरकर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर हमने कुटा हुआ धनिया लिए दरदरा, 1 नींबू का रस, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून तंदूरी टिक्का मसाला, 1/3 टेबलस्पून हम उसमें लेंगे फ्रेश हरी धनिया डंडी के साथ में। चार से पांच हरी मिर्ची हम बीच में से तोड़कर इस तरह से शामिल करते जाएंगे मिक्सी जार में। 4 ब्रेड के स्लाइसेस, 1 टेबलस्पून नमक। अभी हम इसको सारे मसाले के साथ चिकन को अच्छे से पीस लेंगे। देखिए ये हमारा चिकन का बैटर हो गया है रेडी। अभी हम इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए साइड में। अब उसके बाद हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। एक ट्रे में हमने ब्रेड क्रम्स लिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। अब यहाँ पर 2 पार्ट में हमको कलर ऐड करना है। देखिए ये पार्ट में हम रेड फूड कलर ऐड करेंगे 1-2 चुटकी और ये पार्ट में हम ऐड करेंगे ग्रीन फ्रूट कलर। रेड क्रम्स है, हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, ये सिर्फ 2 पार्ट में हमको कलर ऐड करना है। देखिए इस तरह से हम अच्छे से दोनों मिक्स कर देंगे कलर के साथ में रेड क्रम्स। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने रेड और ग्रीन और व्हाइट तीनों कलर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिए। अभी हम इसको रख देते साइड पे। 2 अंडे ले लेंगे, इसमें थोड़ा सी नमक हम ऐड करके इसको भी फेंट लेंगे। एक चॉपर बोर्ड ले लिए, इसको हमने तेल से ग्रीस कर दिए। अभी हम थोड़ा थोड़ा चिकन इसमें लेकर इस तरह से प्रेस करके थोड़ा चपटा कर देंगे। अभी हम सेंटर में चीज रख लेंगे। अभी इस तरह से हम उठाकर रोल शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने रोल बनाकर रेडी कर लिए। इस तरह से बाकी सारी हम बनाकर तैयार कर लेंगे चीज डालकर। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 5 बनाकर रेडी कर लिए और बाकी का जितना स्टफिंग बचा है वो हम रख देंगे फ्रीजर में। आप लोग चाहो तो इस पोजीशन में भी आप लोग ब्रेड क्रम्स लगाकर अंडे में डिप करके कोट करके फ्रीजर में आप लोग रख सकते हैं। अभी हमने 5 रेडी किए, बाकी हमने फ्रिज कर दिए। चलिए अभी हम ले लेते हैं अंडा। देखिए हम एक रोल ले लेते, इस तरह से हम कोट कर लेंगे अंडे में धीरे से। अभी हम उठाकर इसको ब्रेड क्रम्स में रख देंगे। इस तरह से दोनों हाथों से हम इसको कोट कर देंगे। भी सारे 5 हम कोट कर लेंगे अच्छे से।
देखिए ये हमने पांचों रोल रेडी कर दिए। अब एक पैन में हमने तेल रखे गरम करने, तेल को अच्छे से हम गरम करेंगे। देखिए हम संभाल कर दोनों हाथों से उठाकर एक एक पीस इसमें डालते जाएंगे एकदम संभाल कर। अब इसको 3 से 4 मिनट हम ऐसे ही पकने देंगे। तीन मिनट तक हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रख देना है। अभी हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। 3 मिनट के बाद हम इसको पलट लेंगे। तो 3 मिनट हो चुका है, हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही 3 मिनट रखे थे। अभी हम इसको धीरे से पलट लेंगे, एक एक रोल हम धीरे से पलटते जाएंगे। देखिए हमने सारे रोल पलट लिए। अभी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पलटा कर भी 3 मिनट रख देंगे। गैस को फास्ट नहीं करना है वरना रोल जल सकते। देखिए हमारे रोल हो चुके हैं रेडी। अभी हमने गैस को कर दिए बंद। देखिए अभी हम इसको डिश आउट करेंगे, एक एक पीस निकालते जाएंगे। आप इस रेसिपी को जरूर अपने घर में ट्राई जरूर कीजिए। ये हमारा शाही रोल की रेसिपी इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज आप लोग को दिखाते रहे। कमेंट में बताइए कि आप लोग को मेरी शाही रोल की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।